हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन सेवा से जुड़ने के लिए अभी इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे जो ये बेल बटन मेंशन हो रहा है, इस पे भी क्लिक करके इसे ऑन कर लें, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख पाए। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाट इज वाउचर। पहली आरपी 9 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर होता है, जैसे कि पेमेंट का वाउचर, रिसिप्ट का वाउचर, सेल का वाउचर, परचेज का वाउचर। यानी हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में करनी है, आज उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की, जिसकी शॉर्टकट की टेली आर पी 9 में F4 होता है। अगर आप टेली आर पी 9 में अकाउंटिंग वाउचर में जाके F4 प्रेस करते हैं तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की बात करूं तो कॉन्ट्रा वाउचर दोस्तों ज़्यादातर वहां पे यूज होता है जब हम बैंक से कैश निकालते हैं या फिर कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या फिर मेरे दो बैंक हैं, मतलब कंपनी के दो बैंक हैं और वो अपने एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रा वाउचर इस्तेमाल होता है। यानी साफ तौर पे अगर आप लोगों से बताना चाहूँ तो जब भी हम अपने बैंक से पैसा निकालेंगे या हम अपने बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उस केस में कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री पास करी जाएगी। अगले वाउचर की बात करूं तो पेमेंट वाउचर है, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। यानी जब आप F5 प्रेस करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जाकर तो आप पेमेंट वाउचर में चले जाते हैं। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे, चाहे वो कैश में पेमेंट करे या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करे या सीधे ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करे, तो इससे रिलेटेड जो भी एंट्रियां होंगी वो हमारी पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। अगला जो है वो है रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। रिसिप्ट वाउचर का मतलब सामान लेने से नहीं है। रिसिप्ट वाउचर को आपको समझना होगा कि जब भी हम किसी पार्टी से अमाउंट रिसीव करते हैं, चाहे वो लोन ही क्यों ना ले रहे हो या हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, कुछ माल सेल किया, तो बदले में जब वो हमें पेमेंट करता है, वो भुगतान करता है उस सर्विस या गुड्स की, तो जब वो कैश या चेक हम प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है। अगला बात करूं जनरल वाउचर, तो जनरल वाउचर दोस्तों आप ये कह लीजिए कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर है, इनको छोड़ के जो भी एंट्रियां होनी होती हैं आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। हालांकि हम जनरल वाउचर में भी रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, सेल की एंट्री कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन टैली क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हर तरीके का अलग अलग वाउचर बनाया गया है, तो हम हमेशा उन वाउचर का ही इस्तेमाल करते हैं। रिसिप्ट वाउचर में हमेशा रिसिप्ट से एंट्री करी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जनरल वाउचर में नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिसिप्ट वाउचर का अलग से वाउचर बना हुआ है तो हमें रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री पास करनी चाहिए। आप जनरल वाउचर में भी रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। मोस्टली जनरल वाउचर में हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम सेल और परचेज करते हैं तो सेल के टाइम जो हमारा आउटपुट CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, IGST मेंटेन करते हैं अपने टेली आरपी लाइन में, सेम परचेज के टाइम पे भी जो हमारा इनपुट CGST इनपुट SGST इनपुट IGST मेंटेन करते हैं, तो मंथ के लास्ट डेट को यानी आप 30 या 31 तारीख को एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं कि ये देखने के लिए कि आप की लायबिलिटी बन रही है या फिर उसका ITC आपको मिलने वाला है। तो इन सबकी एडजस्टमेंट जो भी होती हैं, जैसे रेक्टिफाई एरर एंट्री हो गई हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई हमारी, वो सारी की सारी जनरल वाउचर में एंट्री पास करते हैं। इसकी शॉर्टकट की F7 होता है। अगले वाउचर की बात करूँ तो सेल वाउचर है, जिसकी शॉर्टकट कमांड F8 है। अब सेल वाउचर का मतलब है कि जब भी आप सर्विस किसी को सेल करते हैं या गुड्स सेल करते हैं तो
उस केस में टेली RP9 में एक अलग से सेल वाउचर क्रिएट किया गया है जिसके अंदर आप अपने बिलिंग वाइज डिटेल के हिसाब से एंट्री पास कर सकते हैं। अगला बात करता हूं मैं परचेज वाउचर की। परचेज वाउचर का मतलब है कि जब भी आप किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आप परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट की F9 है, इस वाउचर में उसकी एंट्री करी जाती है। ये थ्योरी क्लास थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब ये जितने हमारे 7 वाउचर आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पे 6-7 वाउचर जो दिख रहे हैं, इन वाउचरों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आप लोगों को टैली RP9 के अंदर। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो 12वीं वीडियो बनेगी उसके अंदर ये सारे वाउचर से रिलेटेड आपको एक एक एंट्री करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन वाउचर में एंट्री पास करी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।